नमस्कार, मैं संजय मोरे आपका डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल में अडोर ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दीक्षित सर के जो भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, उन सभी वीडियो के नीचे चैट बॉक्स में दर्शक काफी प्रश्न पूछते हैं, तो उन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम डॉक्टर दीक्षित सर से लेंगे। मैं अभी डॉक्टर दीक्षित सर को भी आमंत्रित करता हूं। नमस्कार दीक्षित सर, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार सभी फॉलोअर्स और जिन्होंने सवाल पूछे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और संजय, अब हम सभी का जिन्होंने जो भी सवाल पूछे हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर, पुढचा प्रश्न मराठी मध्ये ज्योति क्रिएशन यांच्या तर्फे आलेला आहे। 4 महिन्यापासून मी लाइफस्टाइल करते, माझं वजन आणि HbA1c कमी झालेले आहे, पण त्याचबरोबर माझं कॅल्शियम, आयर्न, B12, विटॅमिन डी हे सगळंच कमी आलेलं आहे। तर आता मी त्यासाठी काय, कोणते अन्न खाऊ, काय फूड खाऊ हे समजत नाही, तर तुम्ही मला कोणते फळ किंवा काय खाऊ शकते का याविषयी मार्गदर्शन करावे। बोला की ये जब मैं लाइफस्टाइल, तो आपने कहा की फल मत खाओ, आपने कहा बीट मत खाओ, आपने कहा गाजर मत खाओ, तो फिर ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। लोग बोलते हैं कि आपको अगर आयरन बढ़ाना है तो आपको बीट खाना पड़ेगा, आपको खजूर खाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आयरन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आयरन की गोली खाना ये है। ना तो आप उतना पालक खा सकते हो हर रोज, ना तो आप, अगर आपने खजूर खाया तो उसमें कितना आयरन मिलने वाला है आपको, लेकिन खजूर खाने से जो शुगर बढ़ेगा उससे डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाएगा। तो अगर आपने देखा तो ये खाद्य पदार्थ खाने से आपका हीमोग्लोबिन कितना बढ़ने वाला है, तो खास बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ने वाला है। तो आपके लिए प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आपको डायबिटीज कंट्रोल में लाना चाहिए। डायबिटीज कंट्रोल में लाइए, और जैसा मैंने कहा कि फल खाने को क्यों नहीं कहते हम लोग, क्योंकि फलों में फ्रुक्टोज नाम की शक्कर होती है, और ये फ्रुक्टोज जो है ये मेटाबोलाइज करना हमारे शरीर के लिए आसान नहीं है। इसलिए क्या होता है, जो खून में फ्रुक्टोज आता है वो 95% डायरेक्टली लीवर में चला जाता है, और लीवर को डबल काम करना पड़ता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। ग्लूकोज का वैसा नहीं है, ग्लूकोज जो खून में आता है वो 95% सेल्स यूज कर सकते हैं उसको। इसलिए फ्रुक्टोज खाने के बाद आपके खून में ग्लूकोज तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज है, लेकिन आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आपका डायबिटीज और खराब हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि आप फल मत खाओ। और फलों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको दूसरे खाने में नहीं मिलती, तो इसलिए ये गलतफहमी दिल से निकाल लीजिए कि अगर आपने फल नहीं खाया, गाजर नहीं खाया, बीट नहीं खाया तो आपको कुछ नुकसान होने वाला है। जो सिक्वेंस हमने बताया है कि खाने की शुरुआत में, अगर आप, क्योंकि आप डायबिटिक हो इसलिए बोलता हूं, खाने की शुरुआत में 4 बादाम 4 अखरोट खाओ, उसके बाद में एक बाउल भर के सैलड खाओ। अब इस सैलड में जो भी खाना है, ब्रोकोली खाओ, गोभी खाओ, फ्लावर खाओ, टोमेटो खाओ, ककड़ी खाओ, गाजर और बीट मत खाओ, बाकी सब खा सकते हो। उसके बाद में उतना ही बाउल भर के आप स्प्राउट्स खाओ, मूंग, मटकी, छोले, जो भी अच्छा लगता है खाओ, या फिर 2 बॉइल्ड एग्स खाओ। और उसके बाद में जो भी घर में बनाए, जैसे चपाती है, पनीर की सब्जी है, या आलू गोभी बनाए, कुछ भी, जो भी है घर में बना वो खा सकते हो, वेज नॉनवेज कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए ये गलतफहमी दिल से निकाल लीजिए कि अगर आपने लाइफस्टाइल की तो आपको कोई विटामिन इसकी कोई कमतरता हो जाएगी या डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन सही तरह से जैसे मैंने कहा है उसे फॉलो कीजिए। और इस डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल के ऊपर लगभग 200-250 के करीब वीडियोज हैं, उनको एक बार देख लीजिए। वो छोटे छोटे वीडियोज हैं, 5-7 मिनट के, टाइम भी नहीं लगेगा, और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। ज्ञानेश खैरे यांचा मराठीतील पुढचा प्रश्न आहे। सर, माझ्या पत्नीने आपला डाएट 3 महिने केला, ती अगोदर डायबिटिक आहे, पण या डाएटने ते अजून वाढला आहे। माझ्या मते त्यांच्याकडून काय चुका होत असतील किंवा काय, तर आपण काय सांगू शकाल सर यांना? ज्ञानेश का जो सवाल आहे, अजीब सवाल आहे, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, और देखा भी है उसके पीछे कारण यही है कि उस व्यक्ति ने डाइट प्लान ठीक तरह से फॉलो नहीं किया है।
वो कहते हैं कि मेरे बीबी का, उन्होंने डाइट प्लान फॉलो किया, डायबिटीज और बढ़ गया। कहने का मतलब होगा कि शुगर बढ़ गया या एचबीएल बढ़ गया। तो आपको बता दूं कि ये साइंस है। मैंने आज तक एक भी पेशेंट ऐसे नहीं देखा है कि जो सिंसियरली फॉलो करता है और उसका एचबीएल बढ़ा। अब एक कारण जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि वो शायद डायबिटीज के लिए कोई मेडिसिन ले रही होगी। कुछ लोग अपने दिल से ही जब लाइफस्टाइल शुरू करते हैं तो मेडिसिन बंद कर देते हैं। हो सकता है कि उसी वजह से लाइफस्टाइल करेंगे लेकिन उसको कंट्रोल में आने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा। तो मेडिसिन पूरा बंद कर गया तो हो सकता है कि वो शुगर बढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दूंगा कि अगर उन्होंने सिंसियरली ये प्लान फॉलो किया तो उनका डायबिटीज जरूर कम होगा। दूसरी ये भी बात हो सकती है, अगर कोई टाइप 1 डायबिटीज का मरीज है, यानी कि जिसके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, उसने अगर ये लाइफस्टाइल फॉलो की तो उसको क्या फायदा होगा? इसको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि जो भी डायबिटिक के मरीज है वो अपने दिल से इसको चालू मत कीजिए। जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिए हैं उसको आप देख लीजिए और उसके ऊपर मैसेज कीजिए। हम उसी काम में लगे हुए हैं ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले और आप ठीक तरह से वो फॉलो कर सको। तो मुझे यकीन है दिनेश जी कि अगर आपके बीबी ने ये किया और अगर वो इस लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए पात्र है, यानी एलिजिबल है, तो डेफिनेटली उनका डायबिटीज कम होगा। स्नेहलता कदम इनका आगे का सवाल है, मराठी में है। नमस्कार डॉक्टर, रात्री जेवणानंतर 2 तासांनी नॉर्मल शुगर किती असावी? मधुमेह आहे त्यांना, तर त्यांची शुगर किती असावी? मला वाटतं सर आपण शुगरच्या सगळ्याच रेंज सांगाव्यात या ठिकाणी। स्नेहलताजीने जो सवाल पूछा संजय, तो काफी अच्छा सवाल है कि खाना खाने के बाद रात में 2 घंटे के बाद कितनी शुगर होनी चाहिए। तो मैं एक सिंपल सबके लिए एक जवाब दे देता हूं। देखिए, जो नॉर्मल व्यक्ति है यानी कि नॉन डायबिटिक है, उसमें सुबह की खाली पेट जो शुगर होती है वो, यानी कि ग्लूकोज होती है, वो 100 तक हो सकती है, 100। उसकी खाना खाने के 2 घंटे के बाद की जो शुगर होती है वो ज्यादा से ज्यादा 140 तक होती है और उसका HbA1c 5.6 तक हो सकता है। जो व्यक्ति प्री डायबिटिक है, यानी कि वो डायबिटिक होने के रास्ते में है, डायबिटिक उसको हो सकता है, उसकी जो फास्टिंग शुगर है यानी खाली पेट शुगर है वो 101 से लेके 125 तक हो सकती है और उसका खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर जो है वो 141 से लेके 199 तक हो सकती है और इसका HbA1c है वो 5.7 से लेके 6.4 तक हो सकता है। और जो डायबिटिक है उसकी फास्टिंग शुगर 126 से ज्यादा होगी और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 200 से ज्यादा होगी। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति डायबिटीज का मेडिसिन ले रहा है, तो डायबिटीज का मेडिसिन ले रहा है तो हो सकता है उसका शुगर कम भी हो सकता है, तो ये हम नहीं बता सके। लेकिन डायबिटीज किसको कहते हैं? जो मैंने बताया कि 200 के ऊपर अगर खाना खाने के बाद है तो अगर वो मेडिसिन नहीं लेता है तो या तो उसका HbA1c 6.5 या उसके ऊपर गया तो उसको डायबिटिक बोलते हैं। अगर आप डायबिटीज का मेडिसिन लेते हो तो आपकी शुगर कम होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन का मकसद क्या है? कि आपकी शुगर कम हो। तो मेडिसिन लेने वाले लोगों के बारे में यह अंदाजा करना मुश्किल है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद शुगर कितनी होना चाहिए। लेकिन ट्रीटमेंट में हम लोग सोचते हैं कि ये 180 से नीचे अगर रहे तो अच्छा, और जो खाली पेट जो शुगर है वो भी अगर 120-125 के नीचे रहेंगी तो अच्छा है। कोशिश तो करते हैं कि वो 100 के नीचे रहो, 140 के नीचे रहो, कोशिश करते हैं। तो संजय जी, अच्छा है कि लोगों ने काफी सवाल पूछे और हमने भी जवाब देने की कोशिश की। सभी को विनती करूंगा कि जो भी आपको दिल में सवाल है जरूर पूछिए, और मेरा काम है इस लाइफस्टाइल के बारे में जो भी डाउट आपके दिल में है उसको निकालना मेरा काम है, और आप जरूर सवाल पूछिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम जरूर देते रहेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। विनती करूंगा कि ये साइंटिफिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन
55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। दो भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।